वेलकम टू ब्रेन एटिक। ब्रेन एटिक मेरा चैनल का नाम है क्योंकि इसमें दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है एंड इट्स एन एमलगमेशन ऑफ मेनी डिफरेंट आइडियाज, मेनी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड मेनी डिफरेंट थॉट्स। तो आज हम लोग कुछ एक ऐसे औरत के बारे में बात करेंगे। शी इज लाइक द क्वीन ऑफ क्राइम एंड यू नो शी इज आगाथा क्रिस्टी। अगाथा क्रिस्टी का बुक एंड देन देयर वर नन, ये अगाथा क्रिस्टी का प्रोबेबली बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से, इवन हायर देन हरकुल पुआरो और मिसेस मार्पल, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मर्डर मिस्ट्रीज एवर रिटन। और आपको एंड तक मालूम नहीं पड़ता है कि हु इज द किलर, दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट इट। और इसको उसी अंदाज में लिखा हुआ है, दैट वॉज द एम ऑफ अगाथा क्रिस्टी, टू राइट अ नॉवल वेयर यू कैन नॉट फाइंड आउट हु द मर्डरर इज। मजेदार बात यह है कि ये कहानी मैंने पहली बार अगाथा क्रिस्टी के नॉवल में नहीं पढ़ा था, या फिर आई डिडंट सी इट इन एनी वन ऑफ द टीवी सीरीज दैट इज वाइडली अवेलेबल फॉर अगाथा क्रिस्टी। ये मैंने पहली बार देखा था, हमारे दूरदर्शन में एक सीरियल आया करता था जिसका नाम है मार्शल, और ये मुकेश खन्ना, हमारे शक्तिमान मुकेश खन्ना उसमें मार्शल का रोल निभाते थे। इट वाज क्वाइट अ गुड सीरियल, एक टॉप हैट पहन के, एक ओवरकोट पहन के जो इंडियन क्लाइमेट के लिए बिल्कुल ही सूट नहीं करता है, ऐसा एक कैरेक्टर था। इट वाज फन, और उसमें एक कहानी ऐसा था, मुझे कहानी का नाम अभी याद नहीं है, बट दैट वॉज द फर्स्ट एक्सपीरियंस। और एट द सेम टाइम इवन तब हमारे पास सिर्फ दो ही चैनल हुआ करता था, डीडी मेट्रो और डीडी नेशनल। तो डीडी मेट्रो पे हर फ्राइडे नाइट को मूवीज आता था, कभी हिंदी मूवीज आता था, सैटरडे को भी हिंदी मूवीज आता था। तो नाइट को एक बार हॉरर मूवी आया गुमनाम, एंड दैट इज एन एब्सोल्यूट कॉपी ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक एंड देन देयर वर नन। और मैं इसके लिए बॉलीवुड को गाली नहीं देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बहुत सारे लैंग्वेजेस में ये कॉपी होता है, एंड जस्ट टू ब्लेम बॉलीवुड इज काइंड ऑफ चीप। मैंने नोट लिखा है कि ये मैंने रिसर्च किया कि कहाँ कहाँ पर ये एडेप्टेशन हुआ है। इफ़ यू आर नॉट इन टू बॉलीवुड लाइक साउथ इंडिया में, आई नो दैट ओल्ड बॉलीवुड मूवीज़ के जगह पे ओल्ड तमिल मूवीज़ या कन्नड़ मूवीज़ लोग बहुत देखते हैं, अभी भी देखते हैं, तो ज़्यादा डबिंग भी नहीं होता है, तो लोगों को थोड़ा लैंग्वेज में ट्रबल आता है, जैसे हम लोगों को ट्रबल आता है तमिल लैंग्वेज की मूवीज़ में। लेकिन अभी सबटाइटल्स अवेलेबल है, सो यू कैन ट्राई इट आउट। 1965 में गुमनाम बना था, विच इज अकॉर्डिंग टू माई दिस इज द फर्स्ट इंडियन रीमेक ऑफ अगाथा क्रिस्टी एंड देन देयर वर नन। नडु इरविल, इट वॉज ए 1970 और तमिल मूवी है। अडुथडु 2012 में तमिल अडाप्टेशन बना है, और अथगड़ 2015 में कनाडा में अडाप्टेशन बना है। सो यू कैन गो अहेड एंड ट्राई आउट दोज मूवीज एज वेल। आई एम गोइंग टू ट्राई आउट दोज मूवीज एज वेल टू सी हाउ कूल इट इज। मैं अगाथा क्रिस्टी के बारे में और क्या बताऊँ, इट शी इज एज मैंने बोला कि क्वीन ऑफ क्राइम, बिलियंस ऑफ कॉपीज उन्होंने इंग्लिश में शी हैज सोल्ड, बिलियंस, एंड इन फॉरेन लैंग्वेजेस और बिलियंस। यू कैन, दिस आर इंफॉर्मेशन दैट यू कैन गेट ऑन द इंटरनेट, एंड उनके बुक्स में विथ एविडेंसेस, ये जो प्रोलॉग्स में या ऑथर इंफॉर्मेशन में क्लेम होता है, यू कैन गेट इट। ये कहानी इट्स काइंड ऑफ, एंड देन देयर वर नन, इट्स काइंड ऑफ reminiscent of our childhood also. You don't be shocked because it's a crime story, but and then there were none ek chota sa poem ka part hai jo politically incorrect jo naam tha poem ka wo tha 10 little niggers. Abhi n word use nahi hota hai, so it is it was changed to 10 little indians. I think ki ye 10 little indians, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हमारे बंगाली में एक पोएम है, हरा धन है 10 चले, हरा धन का 10 लड़का, तो वो 10 लड़के कैसे मारे जाते हैं एक के बाद एक एक्सीडेंट्स में, उसके ऊपर पोएम है। एंड क्योंकि ब्रिटिश
कैलकाटा में आके या ईस्टर्न इंडिया से आके इंडिया को फाइनली कैप्चर किया उन्होंने, तो आई थिंक कि हम लोगों का ये पोएम दे टुक बैक एंड दे कन्वर्टेड इट टू 10 लिटिल इंडियंस और 10 लिटिल एन वर्ड निगोसो, लेट्स जस्ट से इट एज इट इज. फनी थिंग है कि ये जर्मनी में जो बुक है उसका ट्रांसलेशन में अभी नेग्रिटोस ये वर्ड यूज किया जाता है. तो इट इज काइंड ऑफ अ पिक्यूलियर कनेक्शन कि कैसे इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह आता है. मैं और भी रिसर्च कर रहा हूँ इसके बारे में कि ये पोएम द 10 लिटिल इंडियंस, इज इट डिड इट कम फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडिया? बिकॉज इफ इट कुडन्ट बी ब्रिटिश टू इंडिया, राइट? क्योंकि इट हैज द वर्ड इंडियंस और द वर्ड एन वर्ड एंड दे यूज टू कॉल अस द एन वर्ड, नॉट जस्ट एफ्रिकन्स, दे यूज टू कॉल अस द एन वर्ड. सो आई काइंड ऑफ थिंक इफ वी रिसर्च द हिस्ट्री विल गेट कि ये बंगाली ये पुराना लोकल जो पोएम था, जैसे हाराधन का 10 लड़का, उसका ट्रेजिक डेथ्स के ऊपर, दैट वॉज ट्रांसलेटेड एंड कॉन्वर्टेड बैक एंड नाउ फेमस ऑथर लाइक आगाथा क्रिस्टी इज यूजिंग इट. यू गाइज कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन द कॉमेंट्स, आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक इट अप. बट मैं आपको बता दूं कि ये पर्टिकुलर बुक इट्स अ मस्ट हैव एट एवरी होम फॉर पीपल हु लव क्राइम थ्रिलर्स, हु लाइक सस्पेंस थ्रिलर्स एंड एवरीथिंग. 10 लोगों को चिट्ठी मिलता है फ्रॉम मिस्टर यू एन ओ एन, रिमेंबर दैट, यू एन ओ एन, इट विल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल. उन लोगों को एक रिमोट आइलैंड पे इनवाइट किया जाता है एंड दे कैन नॉट रेजिस्ट दैट इन्विटेशन एंड यू विल वंडर व्हाई, बट दे डू एंड वन बाय वन दे गेट स्टार्टेड किल्ड ऑफ. क्यों, कैसे हुआ? क्योंकि दे आर इन अ रिमोट आइलैंड, देर इज नो एक्सेस. वाई डिड दे गो देयर? क्यों वो लीव नहीं कर पाए? वट वॉज द इशू? और कौन मार रहा है? दैट इज द पिक्यूलियर थिंग. सो यू कैन गेट द टीवी एडेप्टेशन. रिसेंटली बहुत अच्छे अच्छे टीवी एडेप्टेशन हुए हैं इसके ऊपर. आई हैव सीन टू टीवी एडेप्टेशन ऑफ एंड देन देयर वर नन. दोनों ही यूट्यूब पे देखे क्योंकि दे वर नॉट अवेलेबल एनी वेयर. बीबीसी का ऐसा बहुत सारा एडेप्टेशन है जिसको आप देख सकते हो. आई वुड रिकमेंड कि आप ये बुक खरीदे. मैं डिस्क्रिप्शन में अमेजन का लिंक, फ्लिपकार्ट का लिंक दे दूंगा. अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ऑडिबल से ये लें. ऑडिबल में अभी ऑफर चल रहा है. टुडे इज अप्रैल, अप्रैल ऑफ 2019. अभी ऑफर चल रहा है कि आप कोटक महिंद्रा बैंक या ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड होल्ड करते हो तो दे आर गिविंग यू अ 90-डे फ्री ट्रायल और हर महीने आपको एक बुक मिलेगा. उस क्रेडिट ए, ए, हर महीने एक एक करके क्रेडिट देगा ऑडिबल और आप उससे खरीद सकते हो एक बुक या बुक रेंट कर सकते हो. आई हैव रिसेंटली रजिस्टर्ड फॉर इट और मैं बुक लेने वाला हूँ. यू कैन ऑल्सो गेट इट फ्रॉम गूगल बुक्स. गूगल ई बुक है, अमेजन किंडल है एंड एज वेल एज गूगल ऑडियो बुक में भी आप ये पा सकते हैं. आई विल प्रोवाइड द लिंक्स इन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मुझे मजा आता है इसमें कि मैं बुक पढ़ूँ और उसके साथ साथ ऑडियो बुक भी सुनूँ. इट गेट्स अ डिफरेंट इफेक्ट. आई वुड सजेस्ट यू ट्राई इट आउट एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. जो लोग स्टार्टिंग ऑफ विद अगाथा क्रिस्टी और यू हैवेंट रेड अगाथा क्रिस्टी बट लव अगाथा क्रिस्टी, हाउ डू यू लाइक इट? दिस इज वन ऑफ द मास्टर पीसेस एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवल्स एवर रिटन. साइनिंग आउट, ग्रेट नाइट.